फिल्म पानीपत का ट्रेलर जब से आउट हुआ है तब से फैंस इस फिल्म को कंपेयर कर रहे हैं संजय लीला भंसाली की मैग्नम ओपस फिल्म्स बाजीराव मस्तानी और पद्मावत से। अर्जुन कपूर के सदाशिव राव के किरदार को रणवीर सिंह के बाजीराव के किरदार से कंपेयर किया गया तो संजय दत्त के किरदार को अलाउद्दीन खिलजी से और कृति सैनन के किरदार पार्वती बाई को कंपेयर किया गया प्रियंका चोपड़ा के किरदार काशी बाई से। और अब इन कंपैरिजन से तंग आकर कृति सैनन ने तोड़ी अपनी चुप्पी। कृति सैनन ने कहा, I was expecting comparisons when I signed the film. Padmavat 2 was compared to Bahubali. The period of Panipat and Bajirao is similar. The setting is similar because the Peshwa lived in Shaniwarwada and they dressed in a certain way. But the characters are different. कृति यही उम्मीद कर रही है कि फैंस उनके इस फिल्म को देखे और फिर ऐसे कंपैरिजन वाले कमेंट्स करे। इनफैक्ट कृति हाल ही में मिली थी प्रियंका चोपड़ा से और उन्होंने उनके साथ एक सेल्फी क्लिक कर शेयर किया और लिखा, When पार्वती बाई मेट काशी बाई, It's always so lovely meeting you. Well, आपको बता दे कि कृति ने अपने वीडियोस प्रियंका को दिखाया तब प्रियंका को भी बाजीराव मस्तानी वाले दिन याद आ गए। कृति ने ये भी कहा कि वो जब पार्वती बाई की शूटिंग नहीं कर रही होती है तब वो हेडफोन्स लगाकर अलग गाने सुन रही होती है ताकि वो पार्वती बाई के किरदार से बाहर आए और इस इंसिडेंट से प्रियंका चोपड़ा भी अपने आप को रिलेट कर पाई। कृति ने इस बारे में कहा, इट रिमाइंडेड प्रियंका ऑफ हरसेल्फ बिकॉज व्हेनेवर शी वुड बी ऑफ द सेट शी वाज नो लॉन्गर काशी बाई शी वुड स्लिप इनटू हर कैरेक्टर अगेन व्हेन शी वाज ऑन द सेट वी हैड अ फन इनफॉर्मल कन्वर्सेशन। सिर्फ कृति ने ही नहीं बल्कि मेकर्स ने भी किया था क्लैरिफाई संजय दत्त के लुक को लेकर। सुनिए क्या कहना है उनका। ओके, माय क्वेश्चन टू यू इज़ कि आफ्टर द ट्रेलर हैज़ लॉन्च, ट्रेलर का काफ़ी कंपैरिजन बाजीराव मस्तानी मूवी से हो रहा है एंड स्पेशली संजय जी का जो किरदार है उनका जो लुक है वो सब बोल रहे हैं कि एकदम खिलजी जैसा है जो रणवीर सिंह का पद्मावत में था, तो उन कंपैरिजन से आप कितना सहमत हैं? थैंक यू। कंपैरिजन हमेशा होगी, जैसे मैंने जब जोधा अकबर बनाई तो मुझे डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया मुगल आजम के साथ, हालांकि कोई कनेक्शन नहीं है लेकिन मुगल पीरियड है, अकबर है। जब बाजीराव आई तो जोधा अकबर से कंपैरिजन, कोई कनेक्शन नहीं है। पद्मावत आने से पहले जब पद्मावत का ट्रेलर आया तो वो बाहुबली से कनेक्ट हो गया। आई थिंक वी एज एन ऑडियंस हम जो प्रीवियस हिट या जो प्रीवियस फिल्म हमको पसंद आई थी उसके साथ हम इमीजिएटली कंपैरिजन करते हैं, जो अच्छी बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी केस में डबल डोज ये है कि इस फिल्म में जो जनरेशन है सदाशिवराव भाऊ का जो किरदार है ये बाजीराव का नेक्स्ट जनरेशन है। बाजीराव और चिमाजी अप्पा है, दोनों भाई थे, चिमाजी अप्पा का बेटा सदाशिवराव भाऊ है, तो 20 साल के बाद की कहानी है ये। तो जाहिर है कपड़े पहनावा उनका जो घर है शनिवारवाड़ा वो वही होगा, तो इट्स ऑटोमेटिक इट्स नेचुरल दैट यू विल फील कैच दिस इज अ कंपैरिजन। एंड मैं कहता हूँ कंपैरिजन अगर है तो अच्छी बात है क्योंकि बाजीराव बहुत अच्छी थी, तो इट्स अ गुड थिंग दैट एटलीस्ट वी हैव अ गुड कंपैरिजन। इन्वेडर्स हमेशा आते रहे, आक्रमणकारी जिनको हम कहते हैं, तो उनका एक पहनावा है जो कॉमन होता है, बट हमने क्या किया है, एक ही इमेज है अहमद शाह अब्दाली जी की जो पेंटिंग है और वो एक ही पेंटिंग है जो उनकी पेंटिंग ये इस तरह के थे ऐसे दिखाते हैं, उसी को हमने किया हुआ है। तो इसके बाद अगर वो किसी और से कंपैरिजन होते हैं तो आई एम होपिंग दैट इट डजंट गेट कंपेयर्ड विद एनी अदर फिल्म एज द अटेम्प्ट वी हैव मेड, but I hope if you'll compare to the the character is the most important. Well, आपका क्या कहना है इस पूरे इशू के बारे में हमें कमेंट कर जरूर बताएं। Also do like, follow and subscribe to Bollywood Now on Facebook, Instagram and YouTube.